सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेट जो इसकी एप्लीकेशन है, आपको अगर ये पूछा जाए ये अर्थ है, अर्थ का रेडियस कैपिटल आर है और मान लो आपका एक पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो बताओ यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। जीरो मत बोलना, वो वर्क पार में बोल देना जो बोलना है। आपको सेंटर से बोलना है, सेंटर से डिस्टेंस कैपिटल आर है तो माइनस जी एम एम बाई कैपिटल आर है, तो ग्राउंड पे भी पोटेंशियल एनर्जी होती है। नेक्स्ट, अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट कितनी हाइट पर ऊपर ले गया, एच, बोलो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाई आर प्लस एच। तो बहुत सिंपल है, माइनस जी एम एम बाई आर प्लस एच। क्लियर है यहां तक? क्वेश्चन आएगा, अर्थ है, मान लो एक मिनट के लिए ये रेडियस आर है, ये लो ये अर्थ है और इसका रेडियस कैपिटल आर है। एक रॉकेट है, एक रॉकेट को लेट अस सपोज आपने 2000 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंक दिया, अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है। अब वो कितनी हाइट अटेन करेगा एच, ये आपको क्वेश्चन में मुझे बताना है, हाइट अटेन। अब मुझे ये पता है इस हाइट पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। फ्यूल नहीं है, फेंका है बस। आपको कि इसमें क्या है, ये तो हाफ एम वी स्क्वायर एम जी एच से लगा लो, कैसे लगा लो? अगर ये कोई 500 या 200 किलोमीटर ऊपर चला गया तो जी चेंज हो जाएगा। तो तुम एनर्जी कंजर्वेशन में इस चैप्टर में गलती से एम जी एच तो लगा ही मत देना, क्योंकि ये चैप्टर छोटी हाइट पे काम ही नहीं कर रहा, तो बड़ी हाइट पे काम कर रहा है। तो लगाना वही है वर्क एनर्जी पर, कैसे? इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक की वैल्यू क्या रहेगी? सेम। शुरू करें, पोटेंशियल की वैल्यू यहां पर क्या पुट की जाएगी? माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय आर। काइनेटिक क्या पुट की जाएगी? हाफ स्मॉल एम इंटू 2000 का स्क्वायर। ध्यान से बड़ा एम मत पुट कर देना, रॉकेट की एनर्जी है ये काइनेटिक, अर्थ की नहीं है, तो मास रॉकेट का है। टॉप मोस्ट पॉइंट पे चलें, टॉप मोस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल का फॉर्मूला माइनस जी एम एम, बोलो कितना? आर प्लस एच, और काइनेटिक कितनी? जीरो। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, बस एम जी एच हमने छोड़ दिया और नई एनर्जी को ले लिया। अब प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है, ये तो आप लगा ही लेंगे, ये लें, ये लो, इज इक्वल टू माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय आर प्लस हाफ इंटू छोटा एम इंटू वी का स्क्वायर। ये तो लग गया, यहां से रॉकेट का मास क्या हो गया? कैंसिल भी हो गया, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है, आपको एच निकालना है, कैपिटल जी आपको पता है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 मास ऑफ अर्थ क्या है? पता मेरे को नहीं पता, मेरे को मत देखो कि बताऊंगा, मेरे को पता ही नहीं मास ऑफ अर्थ क्या है। तो जब भी ऐसा फंस जाए तो जी को याद कर लें, स्मॉल जी क्या होता था? जी एम बाय। तो जिन जिन न्यूमेरिकल्स में कैपिटल जी एम आ रहा है वहां रिप्लेस करें स्मॉल जी आर स्क्वायर, अब बच जाएंगे। कैसे? इसकी जगह पुट कर लेना स्मॉल जी आर स्क्वायर, ऐसे इसकी जगह पुट कर लेना स्मॉल जी आर स्क्वायर, और ऐसी ये तो चलो जो है वो है ही है। मेरे कहने का मतलब, अब स्मॉल जी आपको पता है, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर भी आपको पता है, न्यूमेरिकल मैंने अपने मन से बनाया तो सॉल्व तो कैसे ही होगा, पर सॉल्व करके जो भी आएगा एच निकाल सकता है। मैं आपको सिर्फ मेथड बता रहा हूं कि कैसे एच की वैल्यू को निकाला जा सकता है बाय एनर्जी कंजर्वेशन लगानी कैसे है। ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? और सबसे इंपॉर्टेंट, फिर वो एमजीएच क्या था? मजाक किया था किसी ने, एमजीएच ले लो, कुछ लॉजिक तो है एमजीएच का, कोई बताएगा? अब एमजीएच कैसे आएगा सरफेस पे? ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं, ये तो आपको समझ में आ गया एमजीएच है क्या, इसको समझने के लिए ये एग्जांपल देख लो। आता नहीं है वैसे बता रहा हूं क्योंकि तो कंफ्यूजन रहेगी नहीं तो। अर्थ है, एक ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस के ऊपर है, जैसे वर्क पर एनर्जी में होता था, एनर्जी का फॉर्मूला आज के हिसाब से माइनस जी एम एम बाय आर कैपिटल आर। फिर तुम उसको एच हाइट ऊपर ले गए और एच 10-15 मीटर ही है, बहुत बड़ा नहीं है, पर चलो ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट लगा लो, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? माइनस जी एम एम बाय आर प्लस एच। ये बताओ अर्थ के सरफेस से ऊपर जाने में इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? फाइनल में से इनिशियल माइनस, ये फाइनल है, ये इनिशियल, इनको माइनस,
यहां से जीएमएम बाहर आ गया, कॉमन निकाल के ये माइनस माइनस प्लस होके वन बाय आर, यहां से वन बाय आर प्लस एच, यहां से काम करते हैं वन बाय आर कॉमन निकाल लो तो ये तो वन बन गया, पर यहां पर कैपिटल आर था नहीं तो कैपिटल आर से मल्टीप्लाई करना पड़ गया तो वन बाय आर कॉमन आ गया। इस न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में कैपिटल आर से डिवाइड कर दो तो ये वन हो जाएगा, ये वन हो जाएगा और ये एच बाय आर हो गया। या सिंपली इस आर को नीचे ले जाओ और आर प्लस एच से डिवाइड करोगे, टर्म आ गई वन प्लस एच बाय आर, न्यूमिनेटर में जाएगा तो रेज टू पावर माइनस वन होगा। अब क्योंकि एच बहुत छोटा है आर के मुकाबले और माइनस वन है तो बाइनोमियल लगेगी, बाइनोमियल में माइनस और ये मल्टीप्लाई करके ये टर्म क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, ये सॉरी इसको इससे मल्टीप्लाई करके माइनस और प्लस माइनस हो गई, माइनस वन निकल गया। इसे ओपन करें, वन से वन कैंसल, ये टर्म आ गई, कैपिटल जी एम क्या होता है स्मॉल जी आर स्क्वायर, एम जी एच आ गया। तो छोटी हाइट के लिए हमने पूरे वर्क पर एनर्जी में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को निकाला था एम जी एच। तो ये सिर्फ समझाने के लिए, आपसे आएगा नहीं है तभी मैं लिखवा कुछ नहीं रहा हूँ इसमें, बट पॉइंट समझ में आ रहा है कि एम जी एच छोटी हाइट में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी थी, तभी तो हर जगह डेल्टा के ई डेल्टा पी ई लगता है, चेंज इन काइनेटिक, चेंज इन पोटेंशियल। तो हम एक आसान करने के लिए ये मान लेते हैं सरफेस पे पोटेंशियल जीरो है और यहां पर एम जी एच है, चेंज क्या हुआ, एम जी एच माइनस जीरो इज एम जी एच, इसलिए ग्राउंड पर जीरो मानते हैं क्योंकि हमने चेंज लेना होता है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, पर यहां पर ऐसा नहीं करना, यहां पर आपको चेंज नहीं लेना, यहां पर एग्जैक्ट पॉइंट की एनर्जी निकालनी है आपको, और ये सिस्टम की एनर्जी क्या है एम और एम दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। कोई डाउट इसमें कैसे इसका एप्लीकेशन अगला लेक्चर, क्या इसी का एप्लीकेशन ही है, ऐसा नहीं है, अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन दी है कि पोटेंशियल एनर्जी को कैसे यूज करते हैं। और तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, ये माइनस साइन कैसे गड़बड़ कर रहा है, माइनस साइन को जस्टिफाई कैसे करें, माइनस साइन का क्या करें। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, उस एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर दिखेगा माइनस साइन क्यों लगाया गया या क्यों आ गया और जस्टिफाई कैसे कर रहा है इसमें। ये देखो, इमेजिन करो आपके पास ये लो अर्थ है, ये री अर्थ है, आप बस मुझे ये बताओ अगर आप अर्थ से, पिछला लेक्चर मत सोचना, अपने मन से आंसर देना, वो फॉर्मूला देखने लग जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। अगर मैं एक ब्रिक को, एक ईंट को अर्थ के ऊपर ऊपर लेके जा रहा हूं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी कि घटेगी, अगर मैं ऊपर जा रहा हूं अर्थ से तो पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट की बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ेगी, सही है, लगाते हैं। सरफेस ऑफ अर्थ पे बोलो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय आर, सही है। मान लो मैंने वैल्यूज पुट की और मान लो मेरा आंसर माइनस दस जूल आ गया, चलो मान लो मैंने सॉल्व कर लिया माइनस दस आ गया, फिर मैंने हाइट अटेन की, इस हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी माइनस में आएगी, माइनस जी एम एम बाय जो भी डिस्टेंस है। अब ये डिस्टेंस तो बढ़ गया ना, डिस्टेंस बढ़ गया तो मैग्नीट्यूड दस तो नहीं आएगा, दस से क्या आएगा, थोड़ा सा कम आएगा, तो मान लो माइनस नौ आ गया। मैं और ऊपर गया माइनस आठ जूल आ गया, क्या बोलते हो, सही आ रहा है कि ऐसा अजीब हो गया, दस नौ आठ, ये के बाद बढ़ना चाहिए था क्योंकि माइनस दस सबसे छोटा है, माइनस नौ बड़ा है, माइनस आठ बड़ा है, और इस तरीके से एनर्जी चेक करो बढ़ती जा रही है और आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे एंड में क्या हो जाएगी, जीरो, खत्म। अगर मैं ये पॉजिटिव ले लेता या अगर ये पॉजिटिव आ जाती, देखो हमारी तो टेंशन ही बढ़ जाती, 10 जूल 9 जूल 8 जूल, मतलब मैं लोगों को कहता तुम ईंटें उठाओ, हाइट तक उठाओ, तुम्हारी एनर्जी घटती जाएगी, ऐसा कभी सुना तुमने, तो पॉजिटिव के साथ ऐसा हो जाता। इसका मतलब बिल्कुल सही है, माइनस साइन एकदम जस्टिफाइड है, कोई डाउट इसमें, इसका मतलब मानते हो माइनस साइन के साथ ही एक्सप्लेनेशन सही बैठेगी और अपने आप ही बाय चांस डेफिनेशन से भी एग्जैक्टली यही आई है, ठीक है यहां तक।